क्लास नाइन्थ है, साउंड नेक्स्ट यूनिट हमारी बनती है कि साउंड क्या होती है, इसके ऊपर हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि साउंड के बारे में क्या क्या है, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो यूनिट नंबर नाइन्थ होगी हमारी। तो इसमें पहला टॉपिक ये बनता है कि डेफिनेशन क्या होता है साउंड का। सबको पता है अभी साउंड किसका फॉर्म है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो आपके ईयर के अंदर एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हियरिंग के अभी, ठीक है, इट इज कॉल्ड ए साउंड। तो लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन इन द हियरिंग, या सेंसेशन ऑफ हियरिंग बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड ए साउंड, या इट प्रोड्यूस ए सेंसेशन इन अवर ईयर, इट इज कॉल्ड ए साउंड। तो सिंपल एनर्जी का फॉर्म है, जिस चीज से हमको सुनता है, जो हमारी ईयर में कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकता है, इट इज कॉल्ड ए साउंड। क्वेश्चन ये है कि साउंड बनती कैसे है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे है। देखिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या है कि साउंड बनती कैसे। हम ये मानते हैं किसी बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तो आवाज बनेगी, देखिए ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि साउंड कैसे बनती है। साउंड बनती है किसी बॉडी की वाइब्रेशन से। कोई भी बॉडी है उसको मैंने हिट किया किसी दूसरी बॉडी के साथ, तो उस बॉडी को, उस बॉडी में क्या होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। दिस वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस ए साउंड, और बॉडी क्या करेगी, हिलना शुरू हो जाएगी ऐसे, दिस इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। यानी एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस ए साउंड। लिख लीजिए, व्हेन वी हिट ए बॉडी विद अदर बॉडी देन इट स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड इट प्रोड्यूस ए साउंड। एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी कैन प्रोड्यूस ए साउंड। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ ए साउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि साउंड बन गई है, चलेगी कैसे, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड चलती कैसे है। देखिए सिंपल फॉर्म में बताएंगे अभी आपको, साउंड के वेव्स के बारे में बताएंगे क्या होता है, उसके पहले मैं कराता हूँ, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को करवा रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो, आपने क्या किया, आपके बोलने से जो हवा का जो मॉलिक्यूल है, एयर का मॉलिक्यूल, वो क्या हो गया डिस्टर्ब हो गया अपनी मेन पोजिशन से। यहाँ से आपने बोलना शुरू किया, मान लेते हैं आपने लाउड स्पीकर लगा रखा है यहाँ पे, और यहाँ से साउंड आ रही है ऐसे, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे बीच में वो क्या है, मीडियम है, हवा मान लेते हैं कि एयर है यहाँ पे। इस साउंड ने क्या किया, इस एयर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, और ये क्या करना लग गया, इट स्टार्ट टू वाइब्रेट। इसकी डिस्टरबेंस ने नेक्स्ट को डिस्टर्ब किया, इसकी डिस्टरबेंस ने नेक्स्ट को डिस्टरबेंस किया, और यहाँ तक हमारा ईयर है, यहाँ तक ये डिस्टरबेंस पहुँची। यानी जो साउंड के जो मॉलिक्यूल थे वो नहीं पहुँच रहे, उनके मॉलिक्यूल्स की डिस्टरबेंस हमारे ईयर तक पहुंच रही थी, और इस डिस्टरबेंस ने क्या किया, साउंड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गया। इस डिस्टरबेंस को ही क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। लिख लीजिए, व्हेन ए बॉडी प्रोड्यूस ए साउंड देन इट डिस्टर्ब द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। मीडियम तीनों हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस भी हो सकता है। इट डिस्टर्ब द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। आगे लिखिए, दिस मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। अबाउट द मीन पोजीशन कौन सी होती है, जब पहले रुका हुआ था उसकी है मीन पोजीशन मान सकते हैं हम लोग। इसने क्या किया, इट डिस्टर्ब द अदर मॉलिक्यूल्स देन डिस्टर्बेंस इज रीच टू अवर ईयर, दिस डिस्टर्बेंस गिव द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे चलती है ये बताएगा आपको, ये डिस्टर्बेंस बताता है, ठीक है। अब इसमें देखिए टॉपिक नहीं है, ये हम बना लेते हैं कि टाइप्स वेव क्या होती है, हमें साउंड वेव के बारे में पढ़ना है, तो हम पहले बता लेते हैं कि वेव क्या होती हैं। वेव्स,
देखो वेव्स क्या है, आपने पानी में पत्थर मारा और वहां से एक वेव बनी, पत्थर मारने से पहले वेव नहीं थी, ऐसे सर्कल नहीं बने थे, यानी पत्थर ने क्या किया, जब पानी में पत्थर मारा उसने पानी को डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज कॉल्ड ए वेव। क्या होता है वेव? डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज कॉल्ड ए वेव। मीडियम में डिस्टर्बेंस कर दीजिएगा क्या बन जाती है? वेव बन जाती है। वेव तीन तरह की हो सकती है अभी। फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ईएम वेव भी बोलते हैं, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड थर्ड भी बनती है एक वेव, इट इज कॉल्ड मैटर वेव, मैटर वेव। देखिए पहला है मैकेनिकल वेव, क्या होती है? ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लिख लीजिए, द वेव विच नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल टू प्रोपेगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल कौन सा है? साउंड। साउंड किस तरह की वेव है? साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत ना पड़े इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देख लीजिए, द वेव विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन या फॉर ट्रेवलिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपकी बहुत से एग्जाम्पल हैं, लाइट इनमें से क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड है मैटर वेव, ये बड़ी क्लास में पढ़ाई जाती है आपको, ये बोलती है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके पास एक वेव होती है, इट इज कॉल्ड ए मैटर वेव। लिख सकते हो, एवरी मूविंग मैटर एसोसिएट ए वेव विद इट, एसोसिएट ए वेव विद इट कॉल्ड मैटर वेव। ये बड़ी क्लास का टॉपिक है, इसे ज़्यादा नहीं करवा रहे, इसको सिंपल है, हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो पहला टाइप इसका है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। पहला पार्ट है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? अभी देखिए सिंपल फॉर्म में, मान लेते मैंने एक रस्सी को बांधा हुआ है, खींच के यहां से मैंने एक जरैक दिया, एक झटका दिया इसके अंदर, तो रस्सी ऐसे चलती है। तो रस्सी ने क्या किया, अपनी मेन पोजिशन रस्सी ऊपर नीचे हुई ऐसे, ठीक है। अगर किसी वेव के अंदर उसके मीडियम के पार्टिकल उसके पाथ के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हों तो वो वेव होगी ट्रांसवर्स वेव। देखिए मान लेते हैं कि ऐसे वेव आ रही है और मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द वेव, दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। देख लीजिए, इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द वेव या प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं इस वेव को हम लोग? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। सेकेंड जो वेव बनती है, सेकेंड जो वेव बनती है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिसके पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हों इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव। जैसे देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग मान लेते हैं, इस स्प्रिंग को मैंने खींच के छोड़ दिया तो इट स्टार्ट टू वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ ए स्प्रिंग। मान लेते हैं कि ये वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो इसके पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में क्या करें, अगर वाइब्रेट करते हैं तो जो वेव बनती है इट इज कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लिख लीजिएगा, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग
अबाउट द मीन पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम आपको बताएंगे इस साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखिए मान लीजिए ये हमारा स्पीकर का है, स्पीकर मान लीजिए, लाउड स्पीकर मान लीजिए, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, बीच में मीडियम है, मीडियम एयर मान लेते हैं, तो साउंड ने क्या किया, इस एयर मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो जो दूसरे एयर मॉलिक्यूल हैं उनको फैलने की जगह मिल गई, ऐसे एक ने क्या किया, कंप्रेस किया, दूसरा क्या हो गया, फैलने की जगह मिल गई। अब ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा ऐसे, तो ये कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि दबा दिया गया है, तो इन वालों को फिर अगेन फैलने की जगह मिल गई, ये कंप्रेस हुआ, ये एक्सपेंड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपेंड हुआ। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में भी, ऐसे कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इनको बोलते हैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो साउंड ट्रेवल कैसे करती है, इन टर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड ए रेयरफैक्शन। देख लीजिएगा, व्हेन वी प्रोड्यूस ए साउंड देन इट कंप्रेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, इट कंप्रेस द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम नियर टू द सोर्स ऑफ साउंड, नियर टू सोर्स ऑफ साउंड, देन अदर मॉलिक्यूल आर एक्सपेंडेड, अदर मॉलिक्यूल आर एक्सपेंडेड एंड दिस डिस्टर्बेंस इज ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, सो इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बन जाती है ये, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब दो वर्ड आए हैं, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है, सी को लिखा गया है, सी फॉर कंप्रेशन, और रेयरफैक्शन R फॉर रेयरफैक्शन, सी फॉर कंप्रेशन, R फॉर रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में क्या हुआ, देखिए पहला पॉइंट डालिएगा, कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन ये वो स्पेस है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कंप्रेस हो गए होंगे। अगर मॉलिक्यूल कंप्रेस हुए तो उनका वॉल्यूम कम हो गया होगा, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया होगा, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो डेंसिटी भी बढ़ गई होगी, तो लिख सकते हो कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन इज द रीजन इन द मीडियम वेयर मॉलिक्यूल आर कंप्रेस सो दैट प्रेशर इज इंक्रीज एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम इज डिक्रीज, सो डेंसिटी ऑफ दिस रीजन इज हाई, डेंसिटी ऑफ दिस रीजन क्या हो जाती है, हाई। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये था आपका पॉइंट व्हाट इज कंप्रेशन। सेकेंड पॉइंट है रेयरफैक्शन क्या होता है, ये वो रीजन है जहाँ पे गैस क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। देख लीजिए, रेयरफैक्शन इज द रीजन और स्पेस वेयर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम आर एक्सपेंडेड सो दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज, प्रेशर इज डिक्रीज एंड डेंसिटी इज डिक्रीज, ठीक है। साउंड जो है वो ट्रेवल करती है इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, लिख लीजिए साउंड ट्रेवल फ्रॉम कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, सो इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव।
नेक्स्ट टॉपिक है साउंड्स नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। आपको बताना पड़ेगा कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज दी हुई है बुक के अंदर। देखिए वो एक्टिविटी क्या बोलती है आपको। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास बोतल है, इस तरह का एक ग्लास बोतल यूज किया हम लोगों ने, और इस ग्लास बोतल के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बेल को डाला हुआ है। इलेक्ट्रिक बेल, घंटी देखिए ना, इलेक्ट्रिक बेल है ये, यहाँ पे डाली हुई है एक इलेक्ट्रिक बेल। आपने देखा होगा बेल के अंदर एक हैम्बर लगा होता है और एक सरफेस पे वो क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है। इस इलेक्ट्रिक बेल को जोड़ा गया है बाहर बैटरी के साथ और एक की के साथ। की क्या होता है, स्विच को बोलते हैं, किसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा आपको। ये आपकी है इलेक्ट्रिक बेल। ये है ग्लास जार बोल लीजिए इसको। और यहां से हमने क्या किया, इसमें एक पाइप लगा रखा है जिससे मैं इस चैम्बर की या इस ग्लास बोतल की हवा को बाहर निकाल सकता हूं, यानी इसके अंदर वैक्यूम बना सकता हूं मैं। तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंट था ये। पहले हमने क्या किया, की को ऑन किया। की को ऑन करते ही इस पूरे में से करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक बेल के अंदर करंट जाएगा और ये हैम्बर स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रिक बेल के इस पार्ट के ऊपर जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमें बाहर जो हम देख रहे हैं उससे हमको क्या होगा, बाहर हमको साउंड सुनाई देगी यहाँ से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इससे इस पूरी एयर को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे एयर को बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर पूरा वैक्यूम बन जाएगा, खाली जगह बन जाएगी। फिर हमने क्या किया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट को करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हवा को, पूरी हवा को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है, उस दौरान इसके अंदर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी चीज प्रूव करता है ये एक्सपेरिमेंट कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो इट इज ए मैकेनिकल वेव। एक बार लिखिए इस एक्सपेरिमेंट को, लिखिएगा, लिखो वी हैव ए ग्लास बोतल हैविंग ए इलेक्ट्रिक बेल विच इज कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड ए की, के ई वाई की, ओके। दिस बोतल हैव ए पंप विच रिमूव द एयर फ्रॉम द बोतल। फर्स्टली वी स्विच ऑन द की सो करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक बेल एंड इट प्रोड्यूस ए साउंड एंड वी कैन हियर दिस साउंड आउटसाइड द बोतल, ओके। देन वी रिमूव द एयर फ्रॉम द बोतल एंड रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट अगेन। इन दिस ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन वी रिमूव ऑल द एयर फ्रॉम द बोतल वी कांट हियर द साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक बेल आउटसाइड द बोतल, ओके। सो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। जब आपको बाहर आवाज नहीं आ रही तो आपको पता चल रहा है कि जो हवा निकाली गई है उसी की वजह से हमको बाहर आवाज सुनाई दे रही थी, ठीक है। तो साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। देखिए किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका होता है, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द वेव। ये इसका जो अपर सेक्शन है इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं टर्फ, क्रस्ट एंड ए टर्फ, फिर आगे चलता है ऐसे ही। तो किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका होता है, यहां तक इसने एक साइकिल पूरा किया हुआ कंप्लीट, यहां से एक अलग साइकिल शुरू हुआ, इसको रोटेशन बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट जो बनता है वो है एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं। अब पानी में पत्थर मारिए तो पानी उठेगा ऐसे,
तो कितना ऊपर उठ सकता है पानी या कितना नीचे जा सकता है पानी मैक्सिमम, वो क्या है उसका एम्पलीट्यूड। तो ये जो वेव बनाई है हम लोगों ने, ये जो लाइन दिखा रहे हैं कि कितना मैक्सिमम वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मेन पोजिशन, इट इज कॉल्ड ए एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है इसका, इट इज द एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो लिख लीजिए, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सेकेंड है इसका कि वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ, वेव लेंथ को सिंबलिक फॉर्म लेमडा से लिखा जाता है, दिस सिंबल। तो वेवलेंथ क्या होती है, देखिए लेंथ है, नाम से पता चलता है कि लेंथ होगी। तो यहां से वेव शुरू हुआ है, एक चक्कर पूरा करने में, यहां तक चक्कर पूरा हुआ है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, इट इज कॉल्ड ए वेवलेंथ। तो ये लिख लीजिएगा, लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है एक रोटेशन पूरा करने में, ये क्या है इसका, लेमडा बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। या एक और डेफिनेशन लिखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू टर्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस ये हो सकता है, या दो टर्फ के बीच का डिस्टेंस ये हो सकता है, इसको भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यूनिट क्या होता है वेवलेंथ का, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ है तो यूनिट क्या होता है, मीटर बोलते हैं, यूनिट इज मीटर। दोबारा देखिए, एक कंप्लीट रोटेशन को पूरा करने में जो वेव चली है यहां से यहां तक, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू टर्फ इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ।